हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ में स्थानीय पंचायत समिति ने हैंडपंप को लेकर प्रधान सुमेर सिंह हुए पत्रकार से रूबरू। दिया है तो भी कोई जांच हुई तो कोई प्रकार का जांच बिल्कुल ही क्लीन शीट मिली उसमें भी कि कोई प्रकार का आरोप निराधार है, ईर्ष्या से राजनीति से प्रेरित था। उसके बाद में मैंने संगठन के जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश पदाधिकारियों को, कई मंत्रियों को, विधायकों को भी सूचना की, परंतु इसके पीछे किसी राजनीतिक नेता का हाथ होने के कारण वो दबा दी जाती है और उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। उसको साथ लेके जब मेरी शिकायत करता दूसरे दिन वो माननीय विधायक महोदय के साथ में दिखता है, इससे सब लोगों को और पता लगता है कि इनके ऊपर किसी व्यक्ति का हाथ है और हाथ के कारण ये राजनीतिक संगठन वालों को कहने के बाद में भी उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। ये पूरे एपिसोड के बाद जांच के बाद अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो जिसने आरोप लगाए उस पर आप कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जब जो पूरी जांच हो जाती है और उस जांच के अंदर जो भी दोषी हैं, जो भी जिसकी जिम्मेदारी बनती है ऑफिशियली, उसके बाद में जब क्लीन शीट और जो भी रिजल्ट आता है, मैं बिल्कुल ही पार्टी के मंच पर और उसके जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाकर, क्योंकि एक प्रधान व्यक्ति ने एक दायित्व है और उसके ऊपर कोई अंगुली उठती निराधार तो उसकी छवि को, मानहानि को ठेस पहुँचती है, उसके लिए हम जरूर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और राजनीतिक में पार्टी के मंच में भी इसकी चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल ही सत्य है कि जिस मैं राजनीतिक में सेवा के प्रकल्प से आया हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी था, 80-90 हज़ार मेरी वेतन होता अगर मैं नौकरी छोड़ता तो मेरा उद्देश्य सेवा के उद्देश्य से राजनीतिक में आया हूँ। लोगों को यह अकड़ता है कि मैं आज 365 दिन लगातार फील्ड में रहता हूँ, मैं किसी भी निजी कार्य भी मैंने छोड़ दिया है, इससे मेरी जनता में योजनाओं की जानकारी जनता में हमेशा रहता हूँ तो जनता का एक आम चर्चा आती है सकारात्मक, उसका इसको पछती नहीं है, इसका हम जवाब देंगे जरूरत पड़ी। जब जिस प्रकार से हम पार्टी में सिद्धांत से जुड़े हुए हैं कि हमारा सिद्धांत बीजेपी से जुड़ा, परंतु मेरा स्वाभिमान भी है, स्वाभिमान को बेच के सिद्धांत के साथ जरूरत पड़ी तो ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करेंगे, सिद्धांत स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। मारवाड़ से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।